Welcome to Food Chatkhara. I'm your host Akhtar Ali. These are the days, holy days of Ramadan al-Mubarak, and we have brought you the recipe with reference to Ramadan al-Mubarak, and it is very much suitable for Seher and Iftar. It is very light, very nutritious, and it is very much popular in children and elder ones. We hope you will like this recipe. Thank you so much. जी नाजरीन, आज हम आपके लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं, और जैसा कि आपको इल्म है कि ये माह मुबारक की मुबारक साथी हैं, और इन दिनों में हमारी जो ज़्यादा वक्त है वो इबादत में गुजरता है, और हमारे खाने की रूटीन थोड़ी चेंज हो जाती है, और हमारा फोकस सहरी और अफ्तारी पर होता है। तो सहरी और अफ्तारी के हवाले से एक बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी ही ग़िज़ाइयत से भरपूर डिश आपके लिए लेके आए हैं, और वो है चिकन मीट बॉल। उम्मीद करते हैं कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो हमें अगर ये आपको अच्छी लगे तो हमें अपने कमेंट्स जो हैं हमें भेजिएगा, और हमें बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड चटकारा। नाज़रीन, ये आपके लिए चिकन मीट बॉल लेके आए हैं, बहुत ही मज़ेदार है, बड़ों को पसंद आएगी और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी, यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं आपको आज चिकन मीट बॉल बनाना सिखाऊँगी, जो बहुत ही मज़ेदार है, बड़ों और बच्चों को नहायत ही पसंद आएगी। सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। चिकन है 1 kg लिया है, जो थोड़ा सा हमने बॉयल कर लिया है, और मैं 1 teaspoon लूँगी। इसके बाद नमक है, जितना मर्ज़ी आप हसबे हसबे जायका आप यूज़ कर सकती हैं, और इसके अलावा ये है कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1 teaspoon, 1 teaspoon जो है आप काली मिर्चें हैं, 1 teaspoon जो है लाल मिर्चें हैं। ये मैंने लिया है गाजर, जो हमने थोड़ी सी हमने फ्राई करेंगे अभी, और जितनी मर्ज़ी आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं मिक्स करने के लिए। और ये है शिमला मिर्च, और बंद गोभी, और ग्रीन चिली है, जो अपने हिसाब से आप डालेगा, ठीक है। और अब मैं और ये थोड़े से उसमें मेयोनीज हम मिक्स करने के लिए हम डालेंगे। अगर आपको इस पर से कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप नहीं डालें, ठीक है। आइए मैं आपको नेक्स्ट के बारे में बताती हूँ, क्या डालना है क्या नहीं। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट, क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। पहले हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसमें मीडियम में रखना है हमने। गाजर बहुत हार्ड होती है, इसलिए हम इसको थोड़ी सी फ्राई करेंगे। नाज़रीन, अब हमने ये हाफ फ्राई कर लिया है, अभी हम ये डिश आउट कर रहे हैं। नाज़रीन, अब हम ये शिमला मिर्च जो है ये फ्राई करेंगे, तो बड़ों को और बच्चों को दोनों को पसंद आती है, ये बहुत ही मज़ेदार है, यकीन आपको बहुत पसंद आएगी। नाज़रीन, अब ये हम ये शिमला मिर्च फ्राई कर रहे हैं, अभी ये शिमला मिर्च हम ये जो डिश आउट कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार है, ये रमज़ान के मतलब बारे में जो है आपको बताया जो है ख़त्म कर लिया है। अब हम ये इसमें चीज़ों को चिकन में मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम ये शिमला मिर्च मिक्स करेंगे, फिर गाजर मिक्स करेंगे, ये बंद गोभी डालेंगे, और ये ग्रीन चिली।
अब ये केसर, ये नमक डालेंगे हसबे जायका, जितना आपको लेना है या ले सकते हैं। ग्रीक और ये लाल मिर्चें, काली मिर्चें हम डालेंगे, इसके बाद कोटी भी लाल मिर्च। इसके बाद फिर हमने मेयोनीज डालनी है, बहुत ही मज़ेदार है मेयोनीज, मुझे तो बहुत पसंद है। अब ये सारी चीज़ मिक्स करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने ये ब्रेड लिया है, अब देखिए अब कैसे कटिंग करते हैं। ये जो है ब्रेड जो है कटिंग कर लिया साइडों पे, क्योंकि ये हार्ट होते हैं इसलिए हमने अपने कटिंग की है। अब ये पानी भी डीप करेंगे, बहुत ही आराम आराम से करेंगे, बहुत ही सॉफ्ट होता है ये इसलिए। अब अभी हम इसको चिकन फिलिंग करेंगे, रोल करेंगे, देखिए राउंड शेप में और बुकलिफ शेप में बन सकती है। देखिए मैं फिलहाल आपको राउंड शेप में अभी बनाना सिखा रही हूँ। जी नाजरे, अब ये ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, ये देखिए तेज गरम ऑयल में हम फ्राई कर रहे हैं। करेंगे जी राजरे, अब ये हमने ये डिश आउट कर लिया है। अब ये आप एक टोमेटो केचप के साथ और ग्रीन चिली के साथ किसी भी चटनी के साथ यूज़ कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट है, बहुत मज़े का लगेगा। ये देखिए, ये देखिए कितना मज़ेदार, उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। हटके है और बहुत ही मज़ेदार है, और अगर आपको अच्छी लगे तो हम आपकी आरा के, आपकी तजावीज़ के, कमेंट्स के मुंतज़िर रहेंगे। जहां भी रहें खुश रहें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। तो जाते जाते एक खूबसूरत सी दुआ आपके लिए आपको हदिया करता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, क्योंकि माही मुबारक की साथी हैं तो मेरे जहन में आया कि टोटके के बजाय मैं आपको एक आयत बताऊँ, बहुत अच्छी आयत है। और वो ये है कि आप किसी भी परेशानी में हो, किसी भी मुश्किल में हो, तो आप इस आयत को का विर्द जो है अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। और वो ये है, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ए अल्लाह मैं मगलूब हूँ, मैं मुश्किल में हूँ, तो मेरी मदद फरमा। इस दुआ के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आइंदा एक और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।